एक दो और लिख लेना, लिखना फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 एंड द स्ट्रेट लाइन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू 9x माइनस 32 द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू 9x माइनस 32 आगे लिखेंगे इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 इज नोन टू मेक एन एंगल If the tangent drawn to the parabola at the point x equal to 3 is known to make an angle pi minus tan inverse x with x axis pi minus tan inverse x with x axis ठीक है नेक्स्ट लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ब्रैकेट लिखना ए ग्रेटर देन 2 Find the value of a greater than 2 for which the reciprocal of the area for the reciprocal of the area find the value of a for which the reciprocal of the area enclosed between y equal to 1 upon x square y equal to 1 upon 4 into x minus 1 y equal to 1 upon 4 into x minus 1, x equal to 2, and x equal to a, is a itself. y equal to 1 by x square, y equal to 1 upon, likha hua hai, 4 into x minus 1, x equal to 2 and x equal to a, is a itself. ठीक है बाकी शीट में तो मिल ही जाएगा तो इसलिए वहाँ भी होना कर ही सकते हैं अपन आगे लिख रहे हैं हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग इज वेरिएबल एरिया और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ले लेना अच्छा वेरिएबल एरिया और लीस्ट एंड क्या बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू तो जैसे अभी तक हम लोग को बाउंड्रीज दी रहती थी फिर बोलता था एरिया निकाल दो अपन गलत कर देते थे फिर थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि भाई इसमें ये वाला जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा वेरिएबल रख दिया और एरिया बता दिया बोला कि इसकी वैल्यू बता दो पैरामीटर की गलत कर दिया नहीं तो इस तरीके से चल रहा था अब क्या है कि मान लो कि इसमें मतलब फिर से वही जो भी सेट ऑफ क्या है बाउंड्रीज ठीक है उसमें हो सकता है कोई एक वेरिएबल बाउंड्री हो तो ऑब्वियस है जो एरिया होगा अब एरिया देगा नहीं ठीक है ना अब जो एरिया हो गया ऑब्वियस पता है कैसा एरिया हो गया वेरिएबल तो हो सकता है उस वेरिएबल एरिया का कभी मैक्सिमम पूछ ले कभी मिनिमम पूछ ले मतलब जो भी वहाँ पे बन रहा होगा अप्रोप्रिएट सिचुएशन उसके हिसाब से मैक्सिमम या क्या पूछ सकता है मिनिमम तो बहुत बार ऐसे ही हुआ कि आपको एरिया निकालना पड़ेगा एंड इन दैट वेरिएबल टर्म और उसके बाद वो फंक्शन बन जाएगा और उस फंक्शन के डेरिवेटिव परफेक्ट स्क्वायर या जो कुछ भी इनइक्वालिटी हम लोगों ने देश दुनिया में देख रखी है उन सबका यूज़ करते हुए ठीक है ना सबका नहीं मतलब जो शॉर्टेस्ट होगा उसको यूज़ करते हुए अपन मिनिमम या मैक्सिमम कैलकुलेट करने वाले हैं समझ में आएगा इसमें एक प्रोफाइल फिक्स है जो मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर इस तरह का है तो फिर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस केस में आप इजीली जा सकते हो सुनना क्लियर है ना मेरे ख्याल से क्या बोला मैंने ठीक है ना तो इसमें एक फिक्स प्रोफाइल ऐसा है
कि ए से बी में कोई एक फंक्शन है विच इज मोनोटोनिक फंक्शन, नहीं हल्ले बोल रहे हैं क्या कि ए से बी में कोई एक फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग नहीं। ये बोला सर आपने बोला मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग नहीं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहने का मतलब कि मोनोटोनिक का मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं होता है, इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है। तो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो ए से बी में कैसा है मोनोटोनिक, तो ए से बी में मोनोटोनिक तो मैंने कुछ ऐसा मान लिया उसको, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि द एरिया बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना, द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स और सी एक कोई पॉइंट ले रहे हैं बीच में, तो ये लाइली लाइन क्या हो गई वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये कर मैंने क्या लिया वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम लोग बोले कि सी सपोज अ पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो पहले तो कर्व के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दिस शुड बी मोनोटोनिक, तो एक केस ले लिया मैंने कि इंक्रीजिंग वाला, ठीक है ना, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो बोला कि द एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये जो लाइन है कौन सी वाई इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज दिस मच, ये शेडेड रीजन। तो बोला क्या कि ये एरिया मिनिमम कब होगा जब सी की वैल्यू होगी ए प्लस बी वाई, नहीं हम लोग बोलेंगे ये एरिया मिनिमम कब होगा जब सी की वैल्यू किसके बराबर होगी ए प्लस बी बाई टू। तो लिख सकते हैं आप इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज मोनोटोनिक, इफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन इन क्लोज ए टू क्लोज बी एंड सी बिलोंगिंग टू ओपन ए से ओपन बी, देन The area bounded by, then the area bounded by the curve y equal to fx, then the area bounded by the curve y equal to fx, the lines, the ordinates x equal to a and x equal to b, the ordinates x equal to a and x equal to b and y equal to f of c. And y equal to f of c is least for c equal to a plus b by 2, is least for c equal to a plus b by 2। एक तो हम कैलकुलस के थ्रू भी इसको सोच सकते हैं, जैसे अगर आप इस एरिया को अगर निकालोगे तो कैसे लिखोगे इस एरिया को, इंटीग्रल a टू c अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन सा है f of c और माइनस क्या लिखोगे f ऑफ x और प्लस क्या लिखोगे c2, कहाँ तक जाओगे b और यहाँ क्या लिखोगे फिर से आप fx एक्स माइनस f ऑफ c। ये तो एरिया हो जाएगा, समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि ये फंक्शन किसका होगा c का, ये फंक्शन किसका होगा c का। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सोचोगे तो लिख सकते हो कि अंदर भी c है, तो इसको लिख सकते हो ना fc इंटू c माइनस a, नहीं और माइनस और प्लस क्या आएगा इंटीग्रल सी टू बी और माइनस एफ ऑफ सी इंटू, ये बनेगा। अब इसके आगे तुम इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो कि डी ए अपॉन डी सी, नहीं क्या लिख सकते हो डी ए अपॉन डी सी, तो इसमें देखा आएगा एफ डैश सी, नहीं फिर क्या आएगा आपके पास f ऑफ c, c माइनस a का कितना हो जाएगा 1, ये कितना देगा माइनस ऑफ f ऑफ c लेबनीज और प्लस क्या देगा सॉरी माइनस फिर से क्या देगा f ऑफ c क्योंकि c इस बार नीचे और उधर फिर से क्या हो जाएगा माइनस f ऑफ c, ठीक है क्योंकि b माइनस c का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये वाला हाँ b माइनस सी का माइनस वन होगा तो ये प्लस एफ ऑफ सी होगा और फिर कितना हो जाएगा माइनस एफ डैश सी, ये चारों टर्म गया अंदर क्या बचेगा एफ डैश सी और इंटू सी माइनस ए और माइनस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा टू सी, यही आएगा सर
अब आप देख सकते हो कि ये जो भी डी अपॉन डी सी आया, ठीक है ना, तो एफ डैश सी तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, नहीं समझ, एफ डैश सी या तो क्या होगा पॉजिटिव या तो क्या होगा निगेटिव। तो साइन तो सिर्फ सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू पे ही चेंज करेगा, साइन किस पे चेंज करेगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। जैसे कि अगर आपने अभी लिखा है तो उसमें एफ डैश सी पॉजिटिव मान रखा है, तो ऑब्वियस बात है कि a प्लस बी बाई टू के आगे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा और a प्लस बी बाई टू के पीछे ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ना कि c इक्वल टू a प्लस बी बाई टू के आगे इंक्रीज कर रहे हैं और इधर डिक्रीज कर रहे हैं, तो लीस्ट कहाँ पे आएगा, c इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो ये ऐसे पलट जाता, तो यहाँ दोनों जगह उल्टा हो जाता है, मतलब वो हो जाता फिर से एफ एक्स माइनस एफ सी और वो भी उधर वाला हो जाता है एफ सी माइनस एफ एक्स। तो दिख रहा है कि पूरे में एक माइनस साइन बाहर आ जाता, तो माइनस एफ डैश सी हो जाता, तो अब माइनस एफ डैश सी भी कैसा होगा, पॉजिटिव, समझ में आएगा। तो फिर सेम तरीके का बिहेवियर आ जाएगा, तो यानी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर किसी पॉइंट पे एफ डैश सी जीरो हो गया, ऐसा हो सकता है ना, जैसे अभी मैंने तो बोला कि एफ डैश सी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग, तो अगर किसी पॉइंट पे जीरो अगर होता भी है तो उसके आजू बाजू तो कैसा होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब साइन नहीं समझा, साइन तो चेंज नहीं होगा ना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू पे कैसा रहेगा मिनिमम। तो एक तो ये सोच सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, देखना कॉमन सेंस लगा के, कि सी को अपन चेंज कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक ए से बी में जा सकता है, ओपन ए से ओपन बी। मान लो कि सी को हमने ए पे फिक्स कर दिया, तो जो एफ ऑफ सी वाली लाइन है यहाँ पे आ जाएगी, नहीं, ठीक है। अगर हमने सी को बोल रहे हैं ना कि सी कैन बी एनी वेरिएबल पॉइंट इन बिटवीन ए टू बी, तो मैंने क्या कहा, सी को ए पे फिक्स कर दिया तो एफ ऑफ सी तो अब यही हो गया ना, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी वाली लाइन ये आ जाएगी। तो व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई दिस लाइन द कर्व एंड y इक्वल टू एफ ऑफ सी। मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ये वाला एरिया हो गया, नहीं समझ में आया। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया, ऊपर मतलब c को इधर खिसकाया, तो ये लाइन अपने आप ऊपर चली गई, ट्रांसलेट हो गई, समझ में आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि जो एरिया अभी मैंने बनाया था दिस प्लस दिस था, यानी कि जो ओरिजिनल एरिया था उसमें ये वाला एरिया कम हुआ, दिख रहा है येलो वाला, और ये वाला एरिया क्या हुआ, बड़ा। तो ओवरऑल एरिया कम हुआ या बड़ा, कम हुआ, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं जब यहाँ पे था c इक्वल टू a था तो एरिया बहुत बड़ा था, और उसके बाद जैसे ही हम इसको c को इधर की साइड ले जा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, कम। फिर अगर आप फाइनल पोजीशन देखना, फाइनल में अगर कोई कहता है कि ऑब्वियस बात है कि b और c सेम कर दिया मैंने, तो ये f ऑफ c वाली लाइन होगी, तो द ऑर्डिनेट्स f ऑफ c एंड द कर्व कौन सा एरिया होगा, यहाँ से ये वाला, समझ में आ गया। फिर इसको आपने नीचे ले आए, नहीं मान लो कि इसको कहाँ ले आए, नीचे, तो जैसे ही इसको नीचे लाओगे तो ये फिर से सोचना कि एरिया कम हुआ या ज़्यादा हुआ। जैसे मान लो फिर से हम लोग यहाँ पे लेकर आ गए, समझ में आ रहा है। तो अब अगर कोई पूछ रहा है कि एरिया कमा या ज़्यादा हुआ, तो सुनना ध्यान से, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बोला पूरा पोर्शन तो गया ना, और सिर्फ ये वाला आया उसके कोरस्पॉन्डिंग, समझ में आ रहा है क्या, यानी फिर से एरिया क्या हुआ, कम। यानी कि इस तरह का फील है कि इधर इधर एक्सट्रीम्स पे तो वैल्यू एरिया की बड़ी है और दोनों साइड से क्या हो रहा है, कम। तो यानी कि कहीं ना कहीं बीच में जाके क्या हो रहा होगा, मिनिमम। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान लो यही लाइन है जो मिनिमम हो रहा होगा, सपोज कर लेते हैं यही वाली लाइन है जहाँ भी क्या हो रहा होगा, मिनिमम। तो जहाँ मिनिमम होगा वहाँ रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, नहीं, जहाँ मिनिमम होगा वहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। तो मैं इसको हल्का सा ऊपर नीचे मूव करा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना कि डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा एक्स ऊपर नीचे मूव करा रहे हो, तो मान लो कि ये चेंज हम लोगों ने किया, ये चेंज कितना है मान लो डेल्टा एक्स, ये समझ में आ रहा है, ये चेंज कितना है डेल्टा एक्स। और अगर ये डेल्टा एक्स जैसे इतना दिख रहा है, दिखने वाले को डेल्टा एक्स नहीं कहते ना, दिखे वो वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बोले ये डेल्टा एक्स चेंज है, समझ में आ रहा है क्या, तो ऑब्वियस है जब ये बहुत छोटा हुआ तो ये तो बिल्कुल आप एक वर्टिकल लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो, नहीं समझ में आया। ये वाला जो लाइन है जब इसको बिल्कुल आप सोचो ना, बिल्कुल इसको क्लोज कर लो, तो आपको एक ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन टाइप की फील देगा, समझ में आएगा। अगर मैं इधर से इधर कर लें आर वन मानूं, इधर आर टू मानूं, तो व्हाट इज द चेंज, देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये क्या हुआ, बढ़ा, और ये वाला क्या हुआ, कम। तो हम लोगों ने कि प्लस आर वन इंटू डेल्टा एक्स माइनस आर टू डेल्टा एक्स, यही हुआ ना रेट ऑफ चेंज। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यानी कि डेल्टा एक्स तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आर वन इक्वल टू क्या होगा, आर टू, मतलब वो ऐसा पॉइंट होगा
जो इधर और इधर से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट, यानी कि वो बीचों बीच का पॉइंट होगा, दैट इज सी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। लिख लें, इफ द एरिया बाउंडेड बाई the area bounded by y equal to x cube upon 3, if the area bounded by y equal to x cube upon 3 minus x square plus a, and the straight lines, and the straight lines x equal to 0, x equal to 2, and the x axis is minimum, x equal to 0, x equal to 2, and the x axis minimum, then find the value of a. x equal to 0, x equal to 2, and the x axis minimum, then find the value of a. वैसे तो हम लोग नहीं, इस सवाल में डायरेक्टली इस जो भी स्टेटमेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका डी वाई बाई dx निकालोगे, x square minus क्या आएगा 2x, तो आप देख सकते हो कि जो एरिया निकालना है वो किसके बीच का है, 0 से 2 के बीच का है, और एफ डैश एक्स का अगर ये साइन चेंज है तो 0 से 2 में मोनोटोनिक तो हो ही गया। अगर मोनोटोनिक हो गया तो इस बार हमारे को एरिया किसका बोल रहा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एंड एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस मतलब वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें भी ए से बी में मोनोटोनिक था, इसमें भी 0 से 2 में मोनोटोनिक है, बस इसमें फर्क क्या है कि वहाँ एफ सी था, यहाँ वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, समझ में आ गया। तो कर्व चेंज है इसमें, मतलब कर्व चेंज मतलब कर्व वेरिएबल है, ठीक है ना, वो जो लाइन की जगह इस बार वेरिएबल कौन सा है, कर्व। तो बात तो एक ही है मेरे ख्याल से, तो इसको हम लोग सोच सकते हैं ना कि दिस इज एफ ऑफ सी, नहीं दिस इज एक्चुअली वाई इक्वल टू 0 इज व्हाट, वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी, और सी क्या होगा इसका मिड पॉइंट, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज एफ वन, नहीं तो यानी कि यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि एफ ऑफ वन कितने के बराबर हो जाना चाहिए, 0। तो जैसे ही एफ ऑफ वन 0 करोगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस ए 0, तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 2 अपॉन 3। इफ द एरिया बाउंडेड बाई If the area bounded by y equal to x square plus 2x minus 3, if the area bounded by y equal to x square plus 2x minus 3 and y equal to kx plus 1 is least, and the line y equal to kx plus 1 is least, then find k and also the least area. Then find k and also the least area. माइनस थ्री और वन शायद पहले वाले का नहीं रूट्स, माइनस थ्री और वन, दूसरी वाली लाइन जो है उसका स्लोप वेरिएबल है, बट इट इज पास ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इस तरीके से कोई लाइन ले लूं, द स्लोप इज वेरिएबल, नहीं स्लोप कैसा है इसका, वेरिएबल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे तो अपन को पता है कि ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही निकलेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू के एक्स प्लस 1। और अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के इंटू एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। अब जो उस दिन फॉर्मूला समझाया था, अगर उसको यूज़ कर रहे हो तुम तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत ही आ जाएगा, ये अल्फा वाला पॉइंट हो गया और ये बीटा। तो अगर हम इस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ना सर, तो अगर इस एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं तो अगर अल्फा से बीटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपर कर्व के एक्स प्लस वन माइनस दिस, तो मेरे ख्याल से तो ये आ जाएगा के माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये समझ में आ रहेगा, ये क्या हुआ, नहीं
तो ये एक्चुअली तो क्या आएगा आपका एरिया, अब इसी को मिनिमाइज करना है, ये एरिया निकालना सिखाई दिया था, 16 मॉड ए, नहीं मॉड ए मतलब 1 हो गया, नहीं एरिया लिख रहे हैं ना, मॉड ए क्या हो गया 1, और मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, तो मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट, तो दैट इज रूट डी अपॉन ए, ए तो 1 ही है मेरे ख्याल से, माइनस 1 है तो उसका मॉड लगाओगे तो 1 ही होगा, तो हम लोग बोलते हैं रूट डी अपॉन ए, तो ए 1 टाइप का हो गया, तो मेरे ख्याल से रूट डी की पावर 3, तो डी की पावर 3/2, तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये एरिया एज अ फंक्शन ऑफ के आ गया आपका सीधा, तो अगर आपने इसको ध्यान रखा हुआ है तो फिर तो टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो अदरवाइज तो आप तो इंटीग्रेट करो, ये करो, दुनिया दयान बहुत सारा कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब दिख रहा है कि ये तो फाइनली उसी फॉर्मेट आ गया जिसे चाहिए था, तो ऑब्वियस है मिनिमम कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा, तो के इक्वल टू 2 और मिनिमम एरिया विल बी 32/3, यही आएगा, बाकी वो वाला भी कर सकते हैं इसमें स्लाइड करने वाला, कि मतलब उस पॉइंट के अबाउट थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, क्योंकि एक्सट्रीम पे देख सकते हो इन्फिनिटी जाएगा, जैसे मान लो कि इसका स्लोप अपन घुमाते घुमाते यहाँ ले जाएं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं और इसका इधर कम करते जाओगे, और फिर जैसे ही कम करते जाओगे फिर ऐसे ही जाएगा, और फिर जैसे ही घूम के फिर इधर होएगा, तो फिर से एरिया कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घुमाओगे तो एरिया भी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, समझ में आएगा, तो बीच में कहीं मिनिमम होगा, तो फिर से इसको थोड़ा सा इधर घुमाओगे, मतलब इसके अबाउट, तो डेल्टा थीटा ले लो, तो एक बार आर वन स्क्वायर डेल्टा थीटा वन आएगा, और एक तरफ आर टू स्क्वायर क्या आएगा डेल्टा थीटा टू, तो यानी कि एक्चुअली क्या हो जाएगा कि यहाँ से दोनों डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए इक्वल, मतलब ये आर वन और ये आर टू क्या होना चाहिए सेम, तो वहाँ से भी के की वैल्यू निकाल सकते हो, और कुछ आगे बढ़े, नेक्स्ट सेटिंग लिखिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, क्या लिखा, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जैसे पहले हम एवरेज वैल्यूज ऑफ डेटा निकालते थे, कि हम लोगों को कुछ डिस्क्रीट डेटा दे दिया x1 x2 x3 टिल xn, तो हाउ वी फाइंड एवरेज वैल्यू उनका सम अपॉन n, अब क्या है कि कोई फंक्शन दिया है आपको y इक्वल टू एफ एक्स, और बोल रहा है कि एफ एक्स का एवरेज वैल्यू निकालो इन द इंटरवल ए टू बी, नहीं एफ एक्स का क्या निकालो, एवरेज वैल्यू इन द इंटरवल ए टू बी, ए से बी में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल के उसको जोड़ के और नंबर ऑफ इन्फिनिटी से डिवाइड करना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, समझ में आएगा, यानी कि हम लोग के पास प्रॉब्लम यहाँ बस ये कि हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस डेटा पे जा रहे हैं, तो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस डेटा पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस याद है कि जो नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज थी वो किससे चेंज हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल से, जैसे लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा इंटरवल, यानी जो वाई एवरेज होगा उसमें डिनोमिनेटर में तो क्या लिखोगे बी माइनस ए, और वो जो डिस्क्रीट का सम है, नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, इंटीग्रल ए टू बी, और क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स डी एक्स, तो देख सकते हो कि यहाँ से एवरेज वैल्यू कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, बिकॉज जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी हो या ए टू इन्फिनिटी हो, कैसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी या बोले कि वन से इन्फिनिटी में एवरेज वैल्यू निकालो, तो हम लोग बोले उस केस में हम लोग इसके लिए फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, वाई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से बी एफ एक्स डी एक्स और अपॉन वन अपॉन बी एंड लिमिट, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज वैल्यू डिफाइंड होगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एवरेज वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, समझ में आएगा। अगर कोई बोलता है कि वाई आर एम एस, वाई आर एम एस मतलब क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर, तो वहाँ जो स्क्वायर्स डेटा करके फिर उसके बाद हम लोग उसका एवरेज निकाल देते, तो नीचे तो एन लिखते थे, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे बी माइनस ए, और इंटीग्रल ए से बी, अब एफ एक्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लिख लेना है, लिख लिया लिख लिया, तो नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन,
कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज जीरो से क्लोज पाई बाई टू, कंप्यूट द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स इन क्लोज जीरो से क्लोज पाई बाई टू, कर लेना फिर वन बाई सिक्स सही है। बताओ भाई क्लास इलस्ट्रेशन में क्या है आपको पूछना? गुड, कौन सा सवाल था पहला? टेन पाई माइनस पाई, इसमें क्या निकालना है अपन को? एरिया निकालना है क्या? तो निकाल ही देता, नहीं निकाला। 125 बाई टू पूछना किसी को, और उसके बाद ए निकालना है शायद, ई स्क्वायर प्लस वन, हाँ ई स्क्वायर प्लस वन ही बोलूँ, और कोई है? हो गया, वेरिएबल एरिया वाला कर ही लिया था अपन ने, एवरेज वैल्यू बता दिया था 1/6। बताना किसी को? नेक्स्ट चाहो तो लिखना एक, फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ ऑल वर्टिकल कॉर्ड्स ऑफ द हाइपरबोला Find the average length of all vertical chords of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 Find the average length of all vertical chords of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 over the interval s x belonging to close a से close to a। तो मेरे ख्याल से ये जो बनता है शायद ये वाला पॉइंट शायद 1.0 ही है, नहीं, और ये 2a तक, तो इस तरीके से वर्टिकल कोर्ड्स खूब सारे आएंगे, ये होगा ना, और इन्हीं का तो एवरेज निकालना होगा आपको। तो वर्टिकल कोर्ड का ये वाला लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो वाई से, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा ये, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 times, इसी का तो एवरेज निकालना है ना अपन को, तो y निकल जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2b और अपॉन क्या हो जाएगा a, ये सोचो ठीक है ना, और a से कहाँ तक 2a तक, ये तो मैंने y एवरेज का जो ऊपर वाला पार्ट है वो लिख दिया, और नीचे एक और आएगा क्या a, तो मेरे ख्याल से यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन ही है शायद, तो 2b अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही आता ना, क्या तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू रख के निकाल लो, तो क्या जो भी आएगा वो आंसर ही है, ये निकाल के निकाल देखूं। ओके गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, वैसे इस तरह के आर्टिकल हम पहले डेफिनेट में इन सब जगहों पे भी देख रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन मतलब कोई अननोन बाउंड्री होगा, कुछ इक्वेशन बनेगा, या तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही होगी, तो आपको क्या निकालना है उसमें कुल मिला के फंक्शन,
एक हमने देखा भी था जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रूव कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व वाला, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ बना था, dA अपॉन dx इक्वल टू fx, नहीं dA अपॉन dx इक्वल टू y बोल लो, या dA अपॉन dx इक्वल टू fx, जहाँ a क्या था आपका एरिया फंक्शन। तो अपन ने ये भी देखा हुआ है कि जो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव होता है दैट इज़ y इटसेल्फ, और इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो जो फंक्शन fx है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को क्या ले रखा था, पॉजिटिव। और एक इनिशियल कंडीशन और था कि x इक्वल टू a पे एरिया की वैल्यू क्या आई थी, जीरो, नहीं x इक्वल टू a पे एरिया की वैल्यू क्या आई थी, जीरो। तो एक ये भी चाहो तो लिख लो खुद से, कि dA अपॉन dx इज व्हाट fx, ये हमने प्रूव करते वक्त देखा था, ठीक है ना। दूसरी बात थी क्या कि जो एरिया था एट x इक्वल टू a वो क्या था, जीरो, और fx इसमें क्या था आपका, पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, let y equal to fx be a non-negative function, let y equal to fx be a non-negative function and area from 0 to x is given by a equals root under 1 plus 3x minus 1, a equals root under 1 plus 3x minus 1, x greater than equal to 0, पहला है, a is area, ठीक है ना, पहला है find the average rate of change of a with respect to x, find the average rate of change of a with respect to x as x increases from 1 to 8, find the average rate of change of a with respect to x as x increases from 1 to 8, दूसरा है, find the instantaneous rate of change of a, find the instantaneous rate of change of a with respect to x at x equal to 5, or tisra hai, find the average value of the ordinate y, find the average value of the ordinate y with respect to x, find the average value of the ordinate y with respect to x as x increases from 1 to 8, as x increases from 1 to 8. आगे पहले का क्या, 3/7, 3/8 एंड 3/7, पहले वाले में क्या कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू 8,
तो अगर ए का एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम 1 to 8 दिखना है, तो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ देख रहे हैं आप, तो ओवर द इंटरवल ए टू बी, तो ऊपर एफ बी माइनस एफ ए और नीचे क्या आएगा जो लेंथ है इंटरवल का, दैट इज बी माइनस ए। तो अभी से देखिए, अगर 1 to 8 में देखोगे तो ए 8 माइनस ए 1 अपॉन 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो 1 तो कट ही जाएगा, तो ये 24 25 5 आ जाएगा और ये 2, तो घट के कितना आ जाएगा 3, तो 3 अपॉन 7। दूसरे में शायद इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस में तो इंस्टेंटेनियसली डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट अंडर, और कहाँ पे निकालना है 5 पे, तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू 5 पे निकालेंगे तो 3 अपॉन 8, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं वाई एवरेज, यही निकाला ना क्या 1 से 8 में, तो 1/7 सॉरी, तो वाई एवरेज निकालोगे तो इंटीग्रेट करोगे वाई को ना, यही है ना, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ए, और ए तो यही है, और 1 और 8 रखोगे तो वही वाली वैल्यू दिख रही है, समझ में आएगा, तो अपने आप ये भी क्या आ जाएगा 3 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेट सी वन एंड सी टू, लेट सी वन एंड सी टू बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस, लेट सी वन एंड सी टू बी द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट सी वन एंड सी टू विद द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2x रेस्पेक्टिवली, लेट सी वन एंड सी टू विद द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 2x रेस्पेक्टिवली। आगे लिखना, लेट सी थ्री विद द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, लेट सी थ्री विद द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, लेट सी थ्री विद द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स x belonging to close 0 to close 1. Let C3 be the graph of the function y equal to fx, bracket लिखना x belonging to close 0 to close 1, ठीक है, आगे लिखना full stop आगे, for a point P on C1, for a point P on C1, comma, let the lines parallel to P, sorry, for a point P on C1, comma, let the lines through P, let the lines through P parallel to axis, let the lines through P parallel to axis meet C2 and C3 at Q and R, parallel to axis meet C2 and C3 at Q and R respectively, meet C2 and C3 at Q and R respectively as shown in the diagram, as shown in the diagram. If for every position of P on C1, as shown in the diagram, if for every position of P on C1, the areas of the shaded region, if for every position of P on C1, the areas of the shaded region OPQ, the areas of the shaded region OPQ and ORP are equal, OPQ and ORP are equal, then determine the function fx. OPQ and ORP are equal, then determine the function fx. करेंगे तो खुद ही बोल रहे कि P और जो भी पॉइंट है और उससे लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस बना रहा है, और Q और R पे मिल रहा है, और शेडेड रीजन का एरिया क्या है बराबर दिया हुआ है, तो अपन निकाल लेते हैं शेडेड रीजन का एरिया। जैसे P C1 के ऊपर एक पॉइंट है, और C1 के ऊपर जो पॉइंट है उसका अगर x कोऑर्डिनेट t माने, तो y कोऑर्डिनेट उसका क्या रहेगा t2। तो अगर मैं OPQ एरिया लिख रहा हूँ, देखना, तो इट इज़ वेरी मच कंफर्टेबल टू राइट विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर हम y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये लिखना थोड़ा सा आपने लिखा होगा आसान, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से t2, देखना 0 से कहाँ तक t2, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, ये राइट कर्व तो मेरे ख्याल से दिख ही रहा सबको, नहीं लेकिन हम लोग बोले x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो वो कितना होगा रूट वाई माइनस इसका दिख रहा है लेफ्ट कर्व, तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा, तो y
ये तो इसका एरिया हो गया, और इसका एरिया वेरी मच कंफर्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये जीरो से टी जाएगा, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व एक्स स्क्वायर है और माइनस लोअर कर्व कौन सा है एफ एक्स, और क्या रहेगा डी एक्स। अब दोनों साइड एफ बी से बात है डिफरेंशिएट करें, तो ये बन जाएगा टी माइनस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और इनटू इसका डेरिवेटिव कितना टू टी, और इधर आएगा टी स्क्वायर और माइनस क्या आएगा एफ टी, तो जो एफ टी आएगा नहीं यहाँ देख सकते हो कि एक माइनस टी क्यूब बन रहा है, तो उधर जाके क्या मिलेगा टी क्यूब, और यहाँ टू टी स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो एवरीवन, कुछ क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक पहला था शायद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 एंड y इक्वल टू 9x प्लस माइनस 32, और स्लोप दिया हुआ था पाई माइनस टेन इनवर्स x एट x इक्वल टू 3, तो dy बाई dx निकाल लीजिए 2x प्लस 12 आएगा, और 6a प्लस 12 इक्वल टू माइनस 6 यहाँ से निकल जाएगा ना स्लोप टेन ऑफ पाई माइनस टेन इनवर्स x दैट इज माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3, a माइनस 3 आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि इस पैराबोला में अगर आप y इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस 3 रखोगे तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला बन जाएगा जो यहाँ बन के दिखाया गया है, और इस पैराबोला को 9x माइनस 32 के साथ आप सॉल्व कर लीजिए द गिवन लाइन, और रूट्स अल्फा बीटा मान लीजिए, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि ये इक्वेशन बन जाएगी और इसके रूट्स आ जाएंगे आपके पास माइनस 3 एंड 2, ठीक है, और माइनस 3 से लेकर 2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस 3 से और बीटा इक्वल टू 2 तक करेंगे, सही क्या, और फिर वही फार्मूला लगा देंगे 1/6 ए टाइम्स मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, तो ए हो गया 3 आपका मॉडुलस लगा दिया है और अल्फा माइनस बीटा इज 5 तो उसका क्यूब इज 125, तो 125/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि y इक्वल टू 1/x स्क्वायर था, y इक्वल टू 1/4 टाइम्स x माइनस 1 था, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू a से बाउंडेड एरिया शायद कुछ बोल रहा था कि 1/a के बराबर है, तो देख लो एक चीज़ इसमें बस ध्यान रखिएगा कि ये वाला ग्राफ जो है हमेशा ऊपर रहेगा 1/x स्क्वायर के, एंड इट विल बी लाइक दिस 1/4 टाइम्स अपर कर माइनस लोअर कर 1/a। अब बोलोगे सर हमेशा ऊपर कैसे रह रहे हैं, तो भाई ये टच कर रहे हैं, आप देखो ना इन दोनों को इक्वेट करोगे दोनों के y को तो इससे रिपीटेड रूट आएगा, दैट इम्प्लाइज कि टच कर रहे हैं, और ये इस तरीके से, बाकी आप ऐसे भी हाइट का डिफरेंस देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा और वैल्यूज निकालोगे तो a इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से कर लोगे, और एक लास्ट सवाल शायद था एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें भी कुछ खास नहीं है, 1/b माइनस ए लिख दिया था पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू था ना 1/b माइनस ए, तो 0 से पाई बाई टू, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस थिंग था, तो हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, जैसे ही अलग करेंगे तो पहला पाई बाई टू और माइनस 1/1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये बन जाएगा, पेन चला लेना, ये टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू बनेगा, पाई बाई टू और 0 लिमिट्स रखोगे तो ये बनेगा कुल मिला के अल्टीमेटली 1/4 आ जाएगा। इसके बाद अपन होमवर्क जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का होपफुली कर चुके होंगे, तो ये चीज़ कंप्लीट कीजिए एरिया अंडर कर्व के लिए एक्सरसाइज 1 and 2, ठीक है, बाकी हम लोग कैलकुलस रिवाइज करेंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल से कैलकुलस जो है आपका ख़त्म होता है, ठीक है, तो करिए मेहनत लगे रही है, अगला टॉपिक वेक्टर्स हम लोग चालू करेंगे।